जी, आज मैं बात करना चाहूँगी इस्लामाबाद की ट्रैफिक के ऊपर। इस्लामाबाद की ट्रैफिक जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। हम ऑलमोस्ट इस्लामाबाद को कराची बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो सिग्नल्स पे अपनी गाड़ी या मोटर बाइक नहीं रोकते और रेड सिग्नल्स भी क्रॉस कर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बड़ी कोई इमरजेंसी में है कि 2 मिनट का या 1 मिनट का उनको सिग्नल पे नहीं रुका जा रहा। इसी तरह से जो है वो तकरीबन रोज़ मैं देखती हूँ कि चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, किसी भी तरह का मौसम हो, तो लोग जो हैं वो हमारे ना तो सिग्नल पे रुकते हैं और ना ही वो कोई ख्याल करते हैं कि जी अपनी लेन में चलें, इंडिकेटर दे के गाड़ी को अपनी इधर से उधर करें, कुछ भी मतलब कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जंगल में रह रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो ना उनको फाइन कर रहे हैं, ना जो कैमरास लगे हुए हैं रोड्स के ऊपर ना वो कैमरास काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कैमरास काम कर रहे होते तो ऐसे लोगों को फाइन किया जा रहा होता। और हमारी जो कौम है वो अगर डरती है किसी चीज़ से तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइन से डरती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म का फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा G8 मरकज़, F10 मरकज़, G10 मरकज़, वहाँ पे जो कार शोरूम्स के मालिक हैं उन्होंने फुटपाथ के ऊपर आज का नहीं पिछले 6-8 सालों से उन्होंने जो है कब्जा किया हुआ है, और उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है, और वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके बड़े मज़े से बेच रहे हैं। और जब उनको रोका जाता है या कुछ कहा जाता है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो रिश्वत देकर और आराम से उसमें से निकल आते हैं, क्योंकि अगर वो रिश्वत दे के ना निकल रहे होते तो ये एक बिल्कुल इलीगल तरीका है गाड़ी खड़ी करने का, गाड़ी बेचने का, और उस पर उनको हटाया गया होता। लेकिन मैं पिछले 6-8 सालों से देख रही हूँ कि उसी तरह से वो पूरा इलाका, पूरा G8 मरकज़ इन कार शोरूम्स वालों ने घेरा हुआ है, पूरा G10 मरकज़ इन कार शोरूम्स वालों ने घेरा हुआ है, G9 में भी है, F10 में भी है, और कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम तो रिश्वत ख़त्म कर देंगे, हम तो करप्शन ख़त्म कर देंगे, और दूसरी तरफ ये चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं जैसे पहले थी। तो इसके ऊपर बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है और काम होना भी चाहिए। अगर हमें अपने इस्लामाबाद को बचाना है तो हमें ये करना होगा, वरना फिर आप यही देखेंगे कि बढ़ते बढ़ते 2-4-10 साल में ये आपको एक और कराची बना हुआ नज़र आएगा, गंदा कचरे से भरा हुआ, गाड़ी कहीं भी खड़ी करके लोग चले जाते हैं, ये भी नहीं ख्याल करते कि जी दूसरा आएगा उसे अपनी गाड़ी निकाली होगी तो वो किस तरह से गाड़ी को निकालेगा, अपनी गाड़ी पार्क कर डबल पार्क करते हैं और गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जो है इस चीज़ के ऊपर कोई ना बात होती है ना कुछ, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का माफिया है जो कि कार शोरूम्स वालों का है, जो जिन्होंने तकरीबन काफ़ी सेक्टर्स में जो मरकज़ है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, और वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ना वो फुटपाथ से गाड़ी हटाते हैं और ना वो रोड से गाड़ी हटाते हैं। उन्होंने रोड्स पे भी अपनी गाड़ियाँ डबल डबल पार्क की हुई हैं, और मैं बड़ी जल्दी आपको उसके ऊपर भी वहाँ की जो पिक्चर्स हैं वो बना के और वहाँ की वीडियो बना के मैं 1-2 दिन में जो है वो भी ट्विटर पे डाल दूंगी, ताकि हमारे लोग जो ये मासूम बन रहे हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग के उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनको ये पता चले कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे तो उन्हें पता ही होगा, जाहिर है उनसे पैसे खाते हैं तो पता तो होना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा और उसकी वीडियोस और फुटेजेस बना के और पिक्चर्स बना के यहाँ पे डाल दूंगी, ताकि वो उसको देख सकें और उसके ऊपर फिर अगर कोई कार्रवाई करे, अगर किसी को कोई शर्म आए, जो कि हमारे हुक्मरानों को और हमारे डिपार्टमेंट वालों को शर्म नाम की चीज़ आती नहीं है, लेकिन अगर किसी को इन केस बाय द वे शर्म आ जाए तो वो उसके ऊपर काम करें।